नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए एक खुशखबरी है, मेरी फोर्थ बुक नवयुग फलित ज्योतिष सिद्धांत रिलीज हो गई है। मेरी चारों पुस्तकें यदि आप मंगाना चाहते हैं या ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मिथुन राशि के लिए वर्ष 2000 कैसा रहेगा बताता हूं। मिथुन राशि के तीसरे भाव में गुरु गोचर कर रहा है। वर्ष के आरंभ में फोर्थ हाउस में राहु और चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, फिफ्थ हाउस में मंगल व छठे भाव में शनि और शुक्र गोचर कर रहे हैं, सातवें भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं, आठवें भाव में बुध और नवम भाव में केतु गोचर कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं शनि की। शनि मिथुन राशि के छठे भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में पूरे वर्ष भर गोचर करता रहेगा। छठे भाव में शनि हमेशा शुभ फल देता है। शनि के गोचर से सिक्स्थ हाउस में शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, शरीर निरोगी रहेगा, धन लाभ होगा, मकान बनाने के लिए शुभ समय है, व्यवसाय में वृद्धि होगी, नौकरी में उन्नति होगी, धन लाभ भी होगा। राहु 9 जनवरी 2016 को सिंह राशि में प्रवेश करेगा और वर्ष के अंत तक रहेगा। राहु तीसरे, छठे, दसवें और ग्यारहवें भाव में शुभ फल देता है। जातक के साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, शरीर के रोग दूर हो जाएंगे, व्यवसाय में वृद्धि होगी, नौकरी में उन्नति होगी, यानी कि सभी प्रकार के सुख प्राप्त होगा। शनि और राहु मिथुन राशि वालों को पूरे वर्ष पर शुभ फल देते रहेंगे, लेकिन गुरु थर्ड हाउस में गोचर कर रहा है और 11 अगस्त 2016 से फोर्थ हाउस में गोचर करेगा। गुरु तीसरे और चौथे भाव दोनों में गोचर करते समय शुभ फल नहीं देता है, सभी कार्यों में रुकावटें बाधाएं पहुंचाता है। इसी प्रकार केतु नाइन्थ हाउस में 9 जनवरी 2016 से गोचर करेगा। केतु भी नाइन्थ हाउस में व्यर्थ की यात्राएं करता है, पिता से संबंध खराब करता है, यानी कि पूरे वर्ष पर वो भी शुभ फल नहीं देगा। अब बात करते हैं राशि स्वामी बुध की। राशि स्वामी बुध वर्ष के आरंभ में एट्थ हाउस में गोचर कर रहा है। बुध गोचर करते समय दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, दसवें और ग्यारहवें भाव में शुभ फल देता है। वर्ष के आरंभ में बुध एट्थ हाउस में गोचर करेगा और एक बार फिर 8 फरवरी 2016 से 1 मार्च 2016 तक फिर दोबारा एट्थ हाउस में ही ट्रांजिट करेगा। बुध ट्रांजिट में मैंने जैसे आपको बताया एट्थ हाउस में गोचर करते समय शुभ फल देता है। जातक को एट्थ हाउस में बुध के ट्रांजिट से संतान से सुख प्राप्त होगा, धन लाभ होगा। 1 मार्च 2016 से 18 मार्च तक बुध नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा। नाइन्थ हाउस में शुभ फल नहीं देता है, भाग्य में कमी करेगा। लेकिन 19 मार्च 2016 से बुध टेंथ हाउस में अपने नीच राशि में गोचर करेगा, जिससे स्वास्थ्य में हानि होगी, मानसिक परेशानियां भी बढ़ जाएंगी, लेकिन धन लाभ भी होगा। 2 अप्रैल 16 से
7 जून 2016 तक बुध लाभ भाव में गोचर करेगा। लाभ भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। बुध के लाभ भाव में गोचर से मिथुन राशि वाले जातकों के व्यवसाय में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, यश बढ़ेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य लाभ होगा, मित्रों से भी लाभ होगा। 8 जून 2016 से 26 जून 2000 तक राशि स्वामी बुध 12th हाउस में गोचर करेगा, जिससे जातक के खर्चे बढ़ जाएंगे, धन की हानि होगी, बिना मतलब की यात्राएं होती हैं, झगड़े भी बढ़ जाते हैं। 11 जुलाई 2016 से बुध कर्क राशि में गोचर करेगा, जिससे परिवार के सदस्यों से अच्छे संबंध हो जाएंगे, वाणी में मधुरता आएगी, धन लाभ भी होगा। 19 अगस्त 2016 से 21 अक्टूबर 2016 तक राशि स्वामी अपने उच्च राशि में कन्या में गोचर करेगा, फोर्थ हाउस में, बुध फोर्थ हाउस में शुभ फल देता है। जातक को जमीन जायदाद, मकान, वाहन से सुख प्राप्त होगा, सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि होगी। 8 नवंबर 2016 से 28 नवंबर 2016 तक बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेगा, वृश्चिक राशि में यानी कि सिक्स हाउस में गोचर करेगा। बुध सिक्स हाउस में भी शुभ फल देता है। जातक को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, रोग दूर हो जाएंगे, कंपटीशन में, प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी, धन लाभ भी होगा। वर्ष के आरंभ से अंत तक राहु और शनि तीसरे और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण जातक को बहुत शुभ लाभ प्राप्त होगा। गुरु तीसरे और चौथे भाव में गोचर कर रहा है और केतु 9th हाउस में, ये दोनों शुभ फल नहीं देंगे। राशि स्वामी बुध लगभग 6 भावों में शुभ फल देगा, यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2016 अत्यंत शुभ फलदायक है।